क्वेश्चन है, ए फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सी द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेनिंग इन ए सर्कुलर कंटेनर, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द फिश इज 12 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर थ्रू विच फिश कैन सी आउटसाइड वर्ल्ड, रेडियस बताना है हमें कि जिसमें क्या करे फिश कैन सी आउटसाइड वर्ल्ड, फिश जो है वो बाहर देख सके, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मान लीजिए ये वाला एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, और ये हमारे पास क्या है क्रिटिकल एंगल, ओके ये क्या बन रहा है हमारे पास क्रिटिकल एंगल, यानी कि N1 साइन 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास N2 साइन थीटा सी, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया स्नेल स्लो लग गया हमारे पास, तो N1 हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे एयर है, यहाँ का 1 हो जाएगा, यहाँ का दे रखा है 4/3, ओके तो N1 1 into में साइन 90 क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू N2 4/3 into में क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले इसको हम एक जनरल मान के सोल्व करें, तो हमारे पास जनरली सोल्व करें तो हमारे पास तो फॉर्मूला आगे हम निकल आएगा, फिर हम इसको क्या कर लेंगे उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा N1 साइन 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि N1 इक्वल टू क्या आ जाएगा N2 साइन थीटा सी, यहाँ पे साइन थीटा सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी N1 बाय में N2, और साइन हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी N2 का स्केयर माइनस N1 का स्केयर पूरे का अंडर रूट, यह आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसमें टेंजेंट थीटा सी निकाले तो टेंजेंट थीटा सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है N1 डिवाइड बाय में बेस क्या है हमारे पास N2 का स्केयर माइनस N1 का स्केयर, ये हमारे पास क्या है बेस, तो ये हमारे पास इक्वेशन, इसको हमने मान लिया फर्स्ट, ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, अब हमारे पास ये डेप्थ, तो इसको मान लिया हमने डी कलेक्ट कर लिया, इस बार 12 सेंटीमीटर को डी मान लिया, और जो इसकी हाफ है इसको हम क्या मान लेते हैं एक्स नोड, जो इसकी हाफ रेडियस इसको क्या मान लिया हमने एक्स नोड मान लिया, जो इसने रेडियस दे रखी है इसको हमने मान लिया एक्स नोड, या फिर हम इसको क्या मान लेंगे आर भी हम इसको मान लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से अगर निकाले तो टेंजेंट थीटा सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर डिवाइड बाय में डी, ये आ गया हमारे पास, तो ये इसको हम दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं, यानी कि ये इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर बाय में डी इक्वल टू क्या आ जाएगा N1 डिवाइड बाय में N2 का स्केयर माइनस N1 का स्केयर पूरे का अंडर रूट, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास N1 डी डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा N2 का स्केयर माइनस N1 का स्केयर पूरे का अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ गई रेडियस, और इसने रेडियस ही पूछा है तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास N1 कितना है 1 इंटो में डी क्या है हमारे पास 12 डिवाइड बाय में अंडर रूट N2 कितना है हमारे पास 4/3 का स्केयर माइनस N1 1 का स्केयर, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 12 डिवाइड बाय में 16 डिवाइड बाय में 9 और माइनस 1 इस पूरे का होल स्केयर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 डिवाइड बाय में 16 माइनस 9 डिवाइड बाय में एलसीएम क्या आ जाएगा 9 पूरे का क्या रहा है अंडर रूट, तो यानी कि 12 डिवाइड बाय में 16 में से 9 तो 7 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 9 पूरे का अंडर रूट, इस 9 को हम 3 बाहर ले सकते हैं, यहां से 3 हमारे पास क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, यानी कि R इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 12 डिवाइड बाय में रूट 7 डिवाइड बाय में 3, यानी कि 12 इंटू में 3 डिवाइड बाय में रूट 7, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास तो 36 डिवाइड बाय में रूट 7, ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू ऑफ रेडियस, दिस इज द क्वेश्चन। अब सिंपली इस प्रकार का जिस क्वेश्चन आते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, रेडियस क्या होता है हमारे पास N1 d डिवाइड बाय में N2 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर, अगर एरिया निकालना हो तो एरिया हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू की क्या कर देंगे हम स्केयर कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी, और इसको अगर बिल्कुल शॉर्ट में याद करना है तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास पाई
थ्री डी डिवाइड बाय में रूट सेवन, ये हमारे पास क्या आ जाएगी पाई थ्री डी। इसको सोल्व करने पर आर स्क्वायर इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद आता है थ्री डी बाय में रूट सेवन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा 36 डिवाइड बाय में रूट सेवन।